हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी बज रहे सुबह के 9। मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, खाना बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पे सभी उठ चुके हैं, सोनू भी उठ चुका है ना। ब्रश करके सब लोग चाय वाय पी के यहाँ पे बैठे हुए हैं। आदि खेल रहा है अपने पापा के साथ। और मैं आज पता है क्या बनाऊंगी? मैं बनाऊंगी मटन करी और चावल, हम लोगों का सबका फेवरेट। तो आज ना मैं सिंपल तरीके से मटन बनाऊंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं कैसे बना रही हूँ। और आज एक और काम है ना, सोफा आने वाला है ना। हाँ, सोफा, जो सोफा मैं चेंज करने वाली थी, जिसका दिखाया था ना आप लोगों को कि लेदर का जो स्ट्रिच है वो खुल गया है, तो वो सोफा एक्सचेंज करके दूसरा सोफा देने वाले हैं वो लोग। तो आज वो सोफा आने वाला है और ये वाला सोफा जाने वाला है। और आज हमारा ये सोफा चेंज हो रहा है, जो चेंज होना था मैंने बोला था आप लोगों को। तो अभी आज ये जा रहा है और दूसरा आ रहा है। ये वाला निकल गया और ये दूसरा वाला आया है। ये है कपड़े का, वो था ना लेदर का। बांध खुलो। ये यहाँ पे इसका ना मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे ये थोड़ा खराब हो रहा था यहाँ से। ये देखिए, ये खराब हो रहा था, तो अब ये अंदर जा रहा है। और ये नया वाला आ गया, सेम ही है। अब इसको जब खोलेंगे ना तब उसका वीडियो बनाएंगे। हम लोग को नया आ गया सोफा, देखो कैसे है। ये दादा ने ले आया। क्या कर रहे हो, कंबल में घुसा है तुम? और ये अनबॉक्सिंग हो रहा है हमारा नया सोफा। ये क्या सोनू, अच्छे से कर, क्या कर रहा है सोनू? अनबॉक्सिंग कर दिया। ये तो सोनू के पापा और चिल्ला रहा है। अरे भालो पुरे की कुछ जो तुम्हें जैसी आपकी आज्ञा महाराज, वो कौन है और वो मुझे कहाँ मिलेगा? और ये सोफा हो गया अनबॉक्सिंग। आप लोग कमेंट में बताना कि ये कलर और ये सोफा कैसा लग रहा है आप लोगों को। सो गाइस, आज मैं बना रही हूँ चावल। चावल बन चुका है और उसके साथ मटन करी। ये मटन करी ना इंस्टेंट मटन करी है। ये इसको मैंने कैसे बनाया पता है? इसको मैंने ना सब कुछ मिक्स करके, जैसे प्याज, खड़े मसाले, पाउडर मसाले, लहसुन, अदरक, सब कुछ पीस के और मटन के साथ मस्टर्ड ऑयल और नमक डाल के सब मिलके ऐसे इसको मिक्स करके हाथों से, और फिर मैंने इसको चढ़ा दिया है गैस पे। अभी ये इसको भूनेंगे, पकाएंगे अच्छे से। उसके बाद जब ये पूरी तरह से तेल छोड़ देगा ना मटन, तो उसके बाद हम लोग गर्म पानी डाल देंगे इसमें। फिर थोड़े टाइम के लिए इसको प्रेशर में सीटी, 2-3 सीटी लगा के बन जाएगा अपना मटन करी, तैयार हो जाएगा खाने के लिए। और सोनू तो सुबह से कुछ नहीं खाया है, बस चाय पिया है, उसको मटन करी के साथ चावल खाना है, वेट कर रहा है। सो गाइज, हमारा मटन यहाँ पे बन चुका है और चावल तो रेडी है पहले से। तो मैं यहाँ पे सोनू के लिए परोस रही हूँ। सोनू को लग गया है भूख बहुत ही ज्यादा, है ना। हाँ। और आज तो मटन है, पेट भर के खाऊंगा एकदम दबा के। इतना सा होगा? और दो? नहीं, और दो बस, ठीक है। हाँ, बस। और अभी यहाँ पे मटन क्या है पता है, ये मैंने आज सूखा मटन बनाया है, क्योंकि ज्यादा तरी वाला अच्छा नहीं लगता।
कभी कभी अलग भी ट्राई करना चाहिए। हाँ, और आलू भी नहीं दिया आज मैंने, ले ले। सही है। सोनू यहाँ पे बैठ गया है, मटन और चावल, गरम है तो गरम तो होगा ही, अभी अभी तो उठा के दिया तेरे को, भूख भी लगा है, गरम दे दिया तूने, नहीं खाली खाली पाखंडी है जिसने लक्ष्मण और वीर को ठंडा होने दे उसके बाद खा, किंतु उसने ऐसा क्यों। और आदि यहाँ पे छोटा भीम देख रहा है, लेकिन आदि को मैं नहीं दिखाऊंगी उससे अभी तक ना, अभी मैं उसको सिर्फ नहा के लाई हूँ, नहला के लाई हूँ, कपड़ा नहीं पहना है। और ये आम ना मैंने काट के धो लिया है, और इस आम का अभी मैं बनाऊंगी आम पन्ना। ये देखो गाइस, कच्चे आम की चटनी, जो जिस आम का मैं पन्ना बनाने वाली थी, तो अभी सोनू बोल रहा है कि चटनी बना लो, मम्मी चटनी बना दिया। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं, दीदी नंबर वन का ऑडिशन यहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे थोड़ा देखने कैसे क्या होता है। हमको पता चला है कि यहाँ पे ऑडिशन हो रहा है, जो भी सिलेक्ट होगा तो उनको फिर दीदी नंबर वन में जाने का मौका मिलेगा। यहाँ पे सब लाइन लेके खड़े हुए हैं फॉर्म के लिए, और फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, पहले फॉर्म लेना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। मैं भी लाइन पे खड़ी होती हूँ, और उधर ऑडिशन चल रहा है, और इधर भी ऑडिशन चल रहा है, यहाँ पे फॉर्म का जो लाइन है वो है। सो गाइस, यहाँ पे मेरे पे आके रुक गया ये लाइन, मतलब मैं ही लास्ट बची हूँ यहाँ पे, मतलब पहला लास्ट जिसको फॉर्म नहीं मिला, और बाकी ये सब तो है ही, और मुझे सबसे पहले अभी मिलेगा, फिर सबको मिलेगा। और ये है मेरा पासपोर्ट साइज का फोटो। सो गाइस, फाइनली मुझे ये फॉर्म मिल गया था, और मैंने इसको फिल भी कर दिया, अभी मैं इसको सबमिट करूँगी, बस वेट कर रहे हैं कब हमारा नंबर आता है। सो गाइस, मैंने अभी ऑडिशन दे दिया, अभी मैं घर जा रही हूँ, और ऑडिशन बहुत ही अच्छा रहा, देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, ऑडिशन देके तो मैं घर आ गई हूँ, अभी अभी आई हूँ। अच्छा मम्मी, ऑडिशन कैसा रहा तुम्हारा? अच्छा रहा। कितना? 500 लेडीज, 500 मतलब 500। क्या लग रहा है लोगों ने ऑडिशन दिया? क्या लग रहा है, सिलेक्ट हो जाओगे? लगता तो यही है, अभी जो कोई भी ऑडिशन देता है तो ऐसा ही लगता है कि हाँ मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी। अभी उन लोगों को ही पता है कि कौन सिलेक्ट होगा। सब यूट्यूबर थे? नहीं नहीं, मैं एक ही यूट्यूबर थी लेडीज, और कोई नहीं था। सब हाउसवाइफ? हाउसवाइफ थे, कोई काम करते, कोई कुछ काम करते, कोई ब्यूटिशियन, कोई जॉब करते, कोई डॉक्टर है, कोई हाउसवाइफ है, ज्यादातर हाउसवाइफ ही थे, क्योंकि मैं मम्मी को छोड़ के आ गया था, मेरा ट्यूशन था। हाँ, सोनू चला गया था, तो अभी मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, बाहर इतना धूप है ना, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। तो अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। I do right now.